ईरान ने अपनी औकात के हिसाब से इसराइल को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी। उत्तरी तेल अबीब में जॉर्ज 20 स्ट्रीट पर एक इमारत पर सीधा हमला हुआ। इसराइल और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने कई बार खोमैनी की तानाशाही में पिसते ईरान को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की है। सिर्फ इज्जत बचाने के लिए ईरान ने तेल अबीब पर दाग दी सैकड़ों मिसाइलें। इसराइल का बाल बांका भी नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा इस जंग का अंजाम? नमस्कार, गुड इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को देर रात ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 500 मिसाइलें दाग दी। ईरान ने अपनी औकात के हिसाब से इसराइल को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी। ईरान ने इसराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के नेवाटिम, हेडजरिम और टेल नॉफ मिलिट्री बेस को बर्बाद करने के लिए जो मिसाइलें दागी, इसमें से टेल नॉफ और नोवाटिम इसराइल डिफेंस फोर्स के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस हैं, लेकिन इन हमलों ने ईरानी मिसाइलों की क्वालिटी की पोल खोल दी है। 500 मिसाइलों के हमले में इसराइल के एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा है। ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, उसने रोक लिया। कुछ मिसाइलें इसराइल जमीन पर भी गिरी, लेकिन यह फुस पटाखा साबित हुई और इनसे चंद गाड़ियों को ही नुकसान पहुंच पाया। इसराइली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उत्तरी तेल अबीब में जॉर्ज 20 स्ट्रीट पर एक इमारत पर सीधा हमला हुआ, लेकिन यहाँ कोई भी हताहत नहीं हुआ क्योंकि बिल्डिंग खाली थी। इसके अलावा इसराइल की राजधानी तेल अबीब के साथ साथ डिमोना, नेवाटिम, होरा, होद, अश्रोन, वीरशेवा और रिशोन लेजियम में भी कई मिसाइलों के गिरने की खबर है। इसराइल पर हुए ईरानी हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें ईरानी मिसाइलों और इंटरसेप्टर के टुकड़ों को डेड सी यानी मृत सागर में गिरते हुए देखा जा रहा है। इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घोषणा की है, एयरपोर्ट पर सभी लैंडिंग और टेकऑफ वहाँ पर रोक दिए गए हैं। इसके अलावा इसराइल में सभी ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। जो विमान लैंडिंग के लिए हवा में थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। जॉर्डन और इराक ने भी अपने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। भले ही ईरानी हमले में इसराइल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच पाया है, लेकिन इससे ईरान का गुनाह कम नहीं हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से इसराइल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। और ऐसा करके ईरान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है और अब इसराइल को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है। इसराइली रक्षा विभाग के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने ईरान के हमले के बाद बयान जारी करके कहा है कि ईरान के आक्रमण ने संघर्ष को गंभीर और ख़तरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है, उसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसराइली सरकार के निर्देश के मुताबिक हम अपने हिसाब से जहां भी, जब भी और जैसे भी हो इसका जवाब देंगे। यानी कि इसराइल ईरान को इस गुस्ताखी के लिए सजा से जरूर देगा, लेकिन समय और जगह इसराइल खुद तय करेगा। इसके अलावा UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फ्रांस और इसराइल के अनुरोध पर आपातकालीन बैठक बुलाई है, जो कि आज होने वाली है। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी दानन ने सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर ईरान पर इसराइल को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और सुरक्षा परिषद से ईरान की फौज, जिसका नाम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसको आतंकवादी संगठन के तौर पर चिन्हित करने का आग्रह किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान को अपनी क्षमता का एहसास नहीं था, जब वो जानता था कि इसराइल का विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम दुनिया में किसी भी मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है, तो उसने इस तरह गुस्ताखी आखिर क्यों की? अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसराइल को अपनी औकात और इसराइल के डिफेंस सिस्टम के अचूक निशाने का एहसास था, क्योंकि इसी साल 2024 में ही 13 अप्रैल को भी ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। उस समय ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें, 170 ड्रोन और दर्जनों क्रूज मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन ये नाकाम कर दिया गया था। तो फिर ईरान ने दोबारा क्यों हमला करके दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाया? इसका जवाब छिपा है ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की घोषणा में, जिसमें उन्होंने बयान जारी करके ये बोला कि ये हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के हत्या के जवाब में किया गया है। यानी कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान भारी दबाव में आ गया था, हिजबुल्लाह को उसने ही पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन ईरान इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह के आतंकियों को गाजर मूली की तरह मार रहा था। ऐसे में ईरान पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अपनी नाक बचाने के लिए इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि वो खुद भी अच्छी तरह जानता था कि इसराइल का इस हमले से कुछ ही बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी नाक बचाने के चक्कर में ईरान के खोमैनी शासन ने अपनी मौत बुला ली है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने कई बार खोमैनी की तानाशाही में पिसते ईरान को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की है। खुद ईरान में भी महिलाओं और दूसरे प्रबुद्ध लोग कट्टरपंथियों के शासन से मुक्ति चाहते हैं,
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसराइल पर ईरान का यह हमला खोमैनी के तानाशाही शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा और यही पूरी दुनिया और सभ्य समाज के हित में। जय हिंद, जय भारत।